वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जिनिंग एंड ऑब्जेक्ट ऑफ जिनिंग। आज इस लेक्चर के माध्यम से हम जिनिंग और ऑब्जेक्ट पर्पज ऑफ जिनिंग को हम इस लेक्चर के माध्यम से डिस्कस करेंगे। जनरली हम कॉटन फाइबर को जो है कॉटन फील्ड में ग्रो करते हैं और ग्रो करने के बाद पैदा करने के बाद कॉटन बॉल की हम पिकिंग करते हैं और पिकिंग करने के बाद उसको हम कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद जिनिंग यूनिट को हम उसको भेजते हैं। जिनिंग में जनरली जो है कॉटन फाइबर को कॉटन शीट से जो है सेपरेट किया जाता है। इस सेपरेशन के प्रोसेस को हम जिनिंग कहते हैं। और हमारा पर्पज, इसके अलावा हमारा क्या पर्पज जिनिंग का होता है, आज इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग इस जिनिंग और ऑब्जेक्ट ऑफ जिनिंग को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। कॉटन प्लांट्स, ये आप जो है इस पिक्चर के माध्यम से कॉटन प्लांट्स देख रहे हैं। ये हमारा जो है इन कॉटन बॉल कॉटन प्लांट से जो है कॉटन ए बर्ड्स बनती हैं, जो हमारे फ्लावर फार्म होते हैं, फ्लावर्स से जो है बर्ड्स बनती हैं, जिसमें हमारी सीड्स का फॉर्मेशन होता है और उस सीड्स पे से जो है से कॉटन फाइबर ग्रो करते हैं, कॉटन फाइबर ग्रो करते हैं और उस सीड्स के ऊपर जो है कॉटन फाइबर रैप होते जाते हैं और इस तरीके से हमारी एक कॉटन बॉल फॉर्म होती है। और कॉटन फॉर्म जब हमारे कॉटन फाइबर जो है फुल्ली जब उसमें डेवलप हो जाते हैं और कॉटन हमारी बॉल ब्रस्ट होती है, ये इसको हम कॉटन बॉल कहते हैं। ये हमारी बर्ड से जो है कन्वर्ट हो जाती है कॉटन बॉल में और इस कॉटन बॉल की जो है सन लाइट सन के इफेक्ट से जो है इसकी ड्राइंग मॉइस्चर जो है ड्राई होता जाता है और ड्राई होने के बाद इस कॉटन बॉल की हम पिकिंग करते हैं। पिकिंग हमारी मैनुअल पिकिंग होती है और मशीन से हार्वेस्टिंग भी जो है इस कॉटन बॉल की पिकिंग जो है मशीन के माध्यम से कॉटन हार्वेस्टिंग भी की जाती है। तो ये आप कॉटन प्लांट देख रहे हैं, कॉटन हमारा जो है कॉटन फाइबर है ये पिकिंग के लिए रेडी है और इसको हम पिकिंग कर करके पिकिंग कर लेते हैं और पिकिंग करने के बाद कलेक्ट करते हैं, इसको हम कलेक्ट करते हैं। अगले आप प्रोसेस में यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कॉटन बॉल है, ये बर्ड्स है, बर्ड्स जो है जब डेवलप फाइबर डेवलप हो जाते हैं तो ब्रस्ट होती है यानी फट जाती है हमारी जो है और ये कॉटन फाइबर जो है फिर एटमॉस्फेयर पे ओपन हो जाते हैं और जो मॉइस्चर होता है सन लाइट के इफेक्ट से जो ड्राई होता जाता है। ये हमारी कॉटन बर्ड्स हैं, कॉटन बर्ड्स को हम पिकिंग कर लेते हैं, पिकिंग करने के बाद हम इसको कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद जैसा कि ये फाइबर आप ओपन बॉल ओपन की गई है, इस बॉल में ये सीड्स दिख रही हैं जो स्लाइटली ब्लैक कलर की ग्रे कलर की ये सीड्स हैं और इस सीड्स के ऊपर हमारे जो फाइबर रैप है फाइबर ग्रो है और इस जो जिनिंग का प्रोसेस होता है जिनिंग प्रोसेस में इस सीड्स को और को फाइबर से यानी इस फाइबर को सीड्स से जो है सेपरेट किया जाता है और इस सेपरेशन के प्रोसेस को हम जिनिंग कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि जिनिंग प्रोसेस क्या है। जिनिंग प्रोसेस में हम कॉटन सीड्स से कॉटन फाइबर को सेपरेट करते हैं, इस सेपरेशन के प्रोसेस को हम कॉटन जिनिंग कहते हैं। जिनिंग के बाद कॉटन बॉल जब हमारी पिकिंग होती है, पिकिंग के बाद कलेक्ट कॉटन बॉल पिकिंग की जाती है, पिकिंग के बाद कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करके जो हम जिनिंग यूनिट को लाते हैं जहां पे हमारी मशीनें जो है वर्क करती हैं और इस कॉटन फाइबर को कॉटन सीड्स से जो है सेपरेट करती हैं। इस सेपरेशन को जिनिंग प्लांट के माध्यम से किया जाता है। तो ये कॉटन बॉल है जो कलेक्ट होकर के जिनिंग यूनिट को आया और जिनिंग यूनिट जो है सेपरेशन के बाद जो है कॉटन फाइबर की पैकिंग की जाती है और पैकिंग कर इस तरीके से बेल फार्म में मटेरियल पैक होकर के और स्पिनिंग प्लांट्स को जो है और अदर पर्पज से ये बेल मटेरियल हमारा जो है फॉरवर्ड हो जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस के लिए ऑपरेशन प्रिंसिपल ऑफ जिनिंग स्टैंड, यहाँ पे हम जिनिंग के प्रोसेस को जो है जानेंगे कि हमारा जिनिंग का प्रोसेस कैसे परफॉर्म होता है। तो आज इस पिक्चर के माध्यम से आप समझने की कोशिश करिए कि सीड्स कॉटन यानी ये वो फाइबर है जिसमें कॉटन फाइबर है और सीड्स दोनों एक साथ जो है कॉटन बॉल के रूप में है, इसको हम फिट करते हैं। हमारा ओपनर रोलर है, ओपनर रोलर से ट्रैश एंड सम इम्प्योरिटी जो है रिमूव होती है और अपना रोलर मेटल को ओपन करके और इस शॉर्ट टूथ रोलर के ऊपर जो है थ्रो करता है और शॉर्ट टूथ रोलर मेटल को कैच करता है, कैच करके जो है फाइबर को सेपरेट करता है, फाइबर को जो है कैच करके तेजी से आगे बढ़ता और सीट्स जो है सेपरेट होकर के यहाँ पे सीट्स पॉट्स में सीट्स ट्रेस बॉक्स में जो है
सीड्स हमारी ड्रॉप हो जाती हैं। और क्लीन कार्टन हमारी जो कार्टन लिंटर जिसको हम कहते हैं कॉटन लिंट कह रहे हैं, क्लीन कार्टन आगे फॉरवर्ड हो जाती है और सीड्स यहाँ पे सेपरेट हो जाती है। यानी इस प्रोसेस से, इस सॉ टूथ रोलर के माध्यम से हम सीड्स कॉटन से जो है कॉटन फाइबर को सेपरेट कर लेते हैं और सीड्स को सेपरेट कर लेते हैं। इस प्रोसेस को हम जीनिंग कहते हैं, इस कॉटन जीनिंग, इसको हम प्रोसेस को क्या कहते हैं, कॉटन जीनिंग कहते हैं। जीनिंग, यहाँ पे हम जीनिंग को डिफाइन करेंगे कि जीनिंग हमारी क्या है, किस कॉटन जीनिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द कॉटन फाइबर फ्रॉम द कॉटन सीड्स। यानी कॉटन जीनिंग क्या है, कॉटन जीनिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द कॉटन फाइबर फ्रॉम द कॉटन सीड्स। यानी कॉटन सीड्स से कॉटन फाइबर को सेपरेट करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कॉटन जीनिंग कहते हैं। परफेक्ट जीनिंग ऑपरेशन वुड बी परफॉर्म इफ द सेपरेशन ऑफ फाइबर फ्रॉम सीड्स वार इफ सीड्स वाज इफेक्टेड विदाउट द स्लाइटेस्ट इंजरी टू आइदर सीड्स और द फाइबर। हमारी जो परफेक्ट जो है जीनिंग प्रोसेस, हम किसको परफेक्ट जीनिंग कहेंगे, जिस जीनिंग प्रोसेस में ना ही हमारा कोई फाइबर डैमेज हो और ना ही हमारे सीड्स डैमेज हो। अगर इस तरीके की अगर हम जीनिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं कि फाइबर भी हमारे डैमेज नहीं हो रहे हैं और सीड्स भी डैमेज नहीं हो रहे हैं, तो ये हमारा परफेक्ट जीनिंग ऑपरेशन है। और कॉटन जीनिंग इज ए मशीन दैट क्विकली एंड इजिली सेपरेट द कॉटन फाइबर फ्रॉम द सीड्स जहाँ प्रीवियसली डन बाई हैंड। कह रहे कि एक कॉटन जीनिंग इज ए मशीन, कह रहे कि एक कॉटन जीनिंग एक मशीन है, ये मशीनें हैं और टाइप्स ऑफ मशीनें हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे। कॉटन जीनिंग इज ए मशीन दैट क्विकली एंड इजिली सेपरेट द कॉटन फाइबर फ्रॉम द सीड्स। कॉटन जीनिंग मशीन के माध्यम से हम कॉटन फाइबर को आसानी से और तेजी से फाइबर को हम सेपरेट कर लेते हैं कॉटन सीड्स से, और इस प्रोसेस को हम जीनिंग कहते हैं। द जॉब्स प्रीवियसली डन बाय हैंड, और इन मशीनों को फार्म होने से पहले, मशीनों को डेवलप होने से, इन्वेंशन होने से पहले ये प्रोसेस जो है बाय हैंड परफॉर्म किया जाता था। यानी सीड्स को हम फाइबर को सीड्स से जो है मैन्युअली बाय हैंड जो है सेपरेट करते थे। दीज सीड्स आर आइदर यूज्ड अगेन टू ग्रो मोर कॉटन और इफ बैडली डैमेज आर डिस्पोज ऑफ। कह रहे कि जो सीड्स जो हमारी सेपरेट होती है कॉटन फाइबर से, एक कॉटन फाइबर से जो सीड सेपरेट होती है, इसको नेक्स्ट जनरेशन प्रोसेस में, यानी हम अगेन ग्रोइंग प्रोसेस में हम इस सीड्स को जो है कॉटन ग्रोइंग में हम उपयोग करते हैं। अगर कॉटन सीड्स हमारी प्रोसेस में डैमेज होती है तो उसको हम अदर पर्पज में इस्तेमाल कर लेते हैं। इट यूज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए वायर स्क्रीन एंड स्मॉल वायर हुक्स टू पुल द कॉटन थ्रू द स्क्रीन व्हाइल ब्रशेस कंटिन्यूसली रिमूव द लूज कॉटन लेंट टू प्रिवेंट जाम्स। यहाँ पे जो है एक मशीन है, मशीन का कॉम्बिनेशन है, और इस कॉम्बिनेशन के माध्यम से हम कॉटन सीड्स से जो है कॉटन फाइबर को सेपरेट करते हैं। और इस सेपरेशन प्रोसेस में या इस मशीन में जो है आपको जो दिखाया गया है कि हम कैसे सेपरेट करते हैं। ये बॉल, कॉटन बॉल है जिसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। ये हमारा हॉपर है, हॉपर में हमने फिट कर दिया, और फिट होने के बाद हमारा जो ओपनर है ये जो है स्लाइटली मेटल को आगे फॉरवर्ड करता है, थ्रो करता है, ओपन करता है और आगे फॉरवर्ड करता है। यहाँ पे जो है हमारा शॉर्ट टूथ रोलर है, हॉपर जो है फीड करता है मेटल को शॉर्ट टूथ रोलर पे, और शॉर्ट टूथ रोलर जो है मेटल को कैच करता है और फाइबर को कैच करके सीट्स से जो है सेपरेट करता है। सीट्स यहाँ ऑब्स्ट्रक्ट होती हैं, यहाँ पे जो सीट्स रुकती है और फाइबर जो है सेपरेट होता जाता है, और उसके बाद सीट्स हमारी जो है नीचे यहाँ पे ड्रॉप हो जाती हैं और कॉटन फाइबर जो है आगे फॉरवर्ड होता है। ब्रश जो है सेपरेट कर लेता है शॉर्ट टूथ रोलर से, और ब्रश से जो हमारा यहाँ पे केज है, केज फाइबर को शक कर लेता है और शक करके जो कॉटन लेंट को आगे फॉरवर्ड कर देता है। तो ये जो है सॉ जिनिंग प्रोसेस है। ये इस पिक्चर के माध्यम से हमने जीनिंग के प्रोसेस को समझा कि जीनिंग कैसे, यानी इस कॉटन बॉल को हम फिट करेंगे और शॉर्ट टूथ रोलर जो है कॉटन फाइबर को, कॉटन लिंट को सेपरेट कर लेता और सीड्स को यहाँ पे ड्रॉप कर देता। इस तरीके से हमारी कॉटन सीड्स पे जो कॉटन फाइबर ग्रो हुआ है, वो कॉटन फाइबर जो है फाइबर अलग हो जाता और सीड्स हमारी
सेपरेट हो जाती है। इस कॉटन फाइबर की हम कलेक्ट करते जाते हैं और आगे नेक्स्ट मशीन में पैकिंग के माध्यम से जो है हम कॉटन बेल प्रिपेयर कर लेते हैं। तो ये हमारा जीनिंग का ऑपरेशन जो है परफॉर्म हो जाता है और हम फाइबर ऑफसेट्स को सेपरेट कर लेते हैं। जिनिंग मशीनें ये आप इंडस्ट्री में जो है आप इस तरीके की जिनिंग मशीनें देखेंगे जहां से जो है हमारी शीट्स जो है नीचे ड्रॉप हो जाती है और क्लीन कॉटन लेंथ जो है आगे फॉरवर्ड होती है। तो यहाँ पे जिनिंग मशीन है। ऑब्जेक्ट अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ जिनिंग। पर्पज क्या है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है जिनिंग का? तो हम देखते हैं टू रिमूव द फाइबर फ्रॉम द शीट्स। ऑब्जेक्ट क्या है, मेन पर्पज क्या है जिनिंग का? द रिमूव द फाइबर फ्रॉम द शीट्स, यानी शीट्स से कॉटन फाइबर को सेपरेट करना या कॉटन फाइबर से शीट्स को सेपरेट करना। तो शीट्स पे हमारी जो है कॉटन फाइबर रैप होती है, तो जो है कॉटन फाइबर को शीट्स से सेपरेट करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जिनिंग कहते हैं। यानी हमारा पर्पज क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, टू रिमूव द फाइबर फ्रॉम द शीट्स, फाइबर को शीट्स से सेपरेट करने के प्रोसेस को हम जिनिंग कहते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। टू रिमूव द नेप्स एंड वेस्टेज इन द सम एक्सटेंट, एक सर्टेन लेवल तक जो है नेप्स का रिमूवल, नेप्स जो हमारी नेप्स यानी शॉर्ट बॉल जो फॉर्म हो जाती है उसको उनका रिमूवल करना और वेस्टेज वेस्ट का जो है रिमूवल करना, जो फाइबर स्टेम्स लीव्स और अदर इम्प्योरिटी है उसका एक सर्टेन लेवल तक जो है रिमूव करना। टू कलेक्ट द सीड्स एंड सीडलेस कॉटन फाइबर सेपरेटली, टू कलेक्ट द सीड्स यानी जो हमारी सीड्स जो सेपरेट हो गई है उसको कलेक्ट हम कर लेते हैं और सीडलेस कॉटन यानी कॉटन फाइबर जो हमारा सीड्स से सेपरेट हुआ उसको हम कलेक्ट करते हैं, यानी कॉटन फाइबर को अलग हम कलेक्ट करते हैं और सीड्स को हम अलग कलेक्ट कर लेते हैं जिनिंग प्रोसेस में। टू सेपरेट द कॉटन फाइबर फ्रॉम द रूट पोजिशन ऑफ द सीड्स, टू सेपरेट द कॉटन फाइबर फ्रॉम द रूट पोजिशन ऑफ द सीड्स, यानी सीड्स के उस लेवल तक यानी हम सीड्स को बिल्कुल क्लीन कर लेते हैं, अगेन हम प्रोसेस में सीड्स को फिट करके और उस प्रोसेस से जो है जिनिंग प्रोसेस से जो है फाइबर को जो फाइबर लेंथ को कंप्लीटली जो है सीड्स से सेपरेट करने का जो है हमारा पर्पज ऑब्जेक्ट होता है। तो ये हमारे जिनिंग के ऑब्जेक्ट है। टाइप्स ऑफ जिनिंग अब हम जो है आगे जो है डिस्कस कर रहे हैं कि टाइप्स ऑफ जिनिंग, जिनिंग की मशीनें जो है कितने टाइप्स की होती हैं। प्रीवियस टू इंट्रोडक्शन ऑफ द मॉडर्न मशीनरी जिनिंग वाज परफॉर्म्ड बाय हैंड और बाय मशीन ऑफ प्रिमिटिव कैरेक्टर सच एज फुट रोलर एंड इट्स इंप्रूवमेंट द चरखा। प्रीवियस टू इंट्रोडक्शन ऑफ द मॉडर्न मशीन, ये मॉडर्न मशीनों के जो है इंट्रोडक्शन होने से यानी इंट्रोड्यूस होने से पहले यानी डेवलप होने से पहले जो हम जिनिंग प्रोसेस को जो है कैसे बाय हैंड उसको जो है सीड्स एंड फाइबर को बाय हैंड सेपरेट करते थे और उससे जो हमारा जो फर्स्ट जो जनरेशन की मशीन हुई वो जो है फुट रोलर जो है हमारी मशीन जो जो है डेवलप हुई जिसको हम जो है इम्प्रूव करके चरखा जो है कहते हैं। न्यूमरस फॉर्म ऑफ जिनिंग हैव बीन ट्राइड, इसके अलावा जो है बहुत सारी जो है जिनिंग मशीनें जो है ट्राई की गई कोशिश की गई बट द प्रेजेंट टाइम ओनली 3 आर यूज टू एनी लार्ज एक्सटेंट, बट एट प्रेजेंट जो है मोस्टली जो है 3 टाइप्स की जो है जिनिंग मशीनें जो है सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर की जाती हैं। दे आर टाइप्स ऑफ जिनिंग, नाइफ रोलर जिनिंग, फर्स्ट हमारी जो जिनिंग है वो जो है नाइफ रोलर जिनिंग और रोलर जिनिंग, इसको हम रोलर जिनिंग और नाइफ रोलर जिनिंग कहते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ जिनिंग यानी एक जिनिंग हमारी मशीन किस टाइप की है, नाइफ रोलर जिनिंग और रोलर जिनिंग। सेकेंड जिनिंग जो है सॉ जिनिंग मशीन एंड थर्ड जिनिंग मकार्थे जिनिंग, ये हमारी 3 टाइप्स की जो है जिनिंग मशीन यूज की जाती है। अलग अलग फाइबर की क्वालिटी के अनुसार हम इन जिनिंग मशीनों का सिलेक्शन करते हैं। आगे हम लोग जो है डिटेल में इन जिनिंग मशीन को डिस्कस करेंगे। 3 टाइप्स ऑफ मकार्थे जिनिंग, मकार्थे जिनिंग की हम बात करें कि मकार्थे जिनिंग जो है कितने तरीके की, 3 टाइप्स ऑफ मकार्थे जिनिंग, सिंगल एक्टिंग मकार्थे जिनिंग, डबल एक्टिंग मकार्थे जिनिंग एंड डबल रोलर मकार्थे जिनिंग, ये हमारी जो है 3 टाइप्स ऑफ मकार्थे रोलर जिनिंग मशीन होती है। इसी तरीके से जो है रोलर जिनिंग में भी जो है 3 टाइप्स ऑफ रोलर जिनिंग, रोलर जिनिंग में भी डबल रोलर जिनिंग मशीन, सिंगल रोलर जिनिंग मशीन एंड रोटो बार रोटेटरी नाइफ रोलर जिनिंग मशीन, ये हमारी जिनिंग मशीन है।
इसके अलावा जो है हम आगे बढ़ते हैं, फॉल्ट्स ऑफ जिनिंग, हम जिनिंग करते हैं तो जिनिंग में जनरली किस टाइप के फॉल्ट आते हैं, फाइबर सेपरेशन में जो है क्या जनरली किस टाइप के फॉल्ट आते हैं उसको हम देख यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फाइबर आर ब्रोकेन एट द मिडिल पोजिशन शो दैट बिकम शॉर्टर इन द लेंथ। जो हमारा फाइबर है, जो फाइबर हमने कार्टन फाइबर ग्रो किया है सीड्स पे, इस जिनिंग ऑपरेशन में कुछ फाइबर, सर्टेन फाइबर जो है ब्रेक होते हैं और उस ब्रेक होने से जो है हमारी फाइबर की लेंथ शॉर्ट हो जाती है, शॉर्ट लेंथ जो है फाइबर जो है जनरेशन हो जाता है, फॉर्म हो जाता है। क्रश सीड्स रिमेन विद द कॉटन। जो हमारा कैलेंडर रोलर है वहां पे जो है सीड्स जो है अगर पास होती है तो सीड्स क्रश क्रश होती है और क्रश होने से सीड फ्रेगमेंट जो है उस कॉटन फाइबर में मिक्स हो जाते हैं और कॉटन फाइबर उसको अपने ऊपर अपने उसमें जो है इंटेंगल हो जाते हैं सीड्स फ्रेगमेंट। नेप्स आर फॉर्म इन कॉटन। इस प्रोसेस में जो है नेप्स फॉर्मेशन भी होता है और नेप्स रिमूवल भी होता है। नेप्स आर फॉर्म इन कॉटन। अनमेच्योर कॉटन जो है नेप्स इस प्रोसेस में प्रोसेस होता है, तो प्रोसेस में जो अनमेच्योर फाइबर होते हैं वो नेप्स फॉर्मेशन नेप्स फॉर्म करते हैं। रिमेनिंग एक्सेसिव ट्रेस इन द कॉटन। जो हमारे प्रोसेस में इस जिनिंग प्रोसेस में जो है कुछ ट्रेस जो है रिमूव होते हैं और कुछ ट्रेस पोर्शन इस मटेरियल में जो है रिमेनिंग जो है बचे रहते हैं। रिमेनिंग फाइबर विद सीड्स और इस फाइबर के साथ जो है कुछ सीड्स भी जो है पास होती हैं या सीड्स फ्रेगमेंट जो है पास होते हैं जो इस फाइबर के साथ जो है बने रहते हैं। ये हमारे जो है फॉल्ट है जिनिंग का। अगर जिनिंग हम एक परफेक्ट जिनिंग करते हैं तो कॉटन फाइबर में कॉटन सीड्स जो है पास नहीं होनी चाहिए, सीड फ्रेगमेंट नहीं होने चाहिए, नेप्स फॉर्मेशन नहीं होने चाहिए और शॉर्ट फाइबर यानी फाइबर ब्रेकेज जो है कम से कम होना चाहिए। ये जो है अगर इसको हम अवॉइड करते हैं तो हम गुड एक जीनिंग के अच्छे प्रोसेस को जो है हम फॉलो कर रहे हैं। इस तरीके से मैं समझता हूँ कि ये जीनिंग का प्रोसेस इस लेक्चर के माध्यम से आपने एक कंप्लीट जो है जीनिंग का कंसेप्ट आपने समझा होगा। थैंक यू।